आज हम इनफाइनाइट बस के बारे में बात करेंगे कि इनफाइनाइट बस क्या होता है। तो इनफाइनाइट बस एक ऐसा बस है जिसकी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। तो इनफाइनाइट बस इज द बस हुज वोल्टेज and frequency remain constant even after variation in the load. Load के अंदर अगर कोई changes आ रहे, if the load varies, तो voltage और frequency के ऊपर कोई effect नहीं होगा, is known as the infinite bus. इसकी definition कैसे लिखेंगे, the bus whose voltage and frequency remain constant even after the variation of load is known as a infinite bus. ये उसकी definition है। तो इनफाइनाइट बस में क्या होता है कि ऑल्टरनेटर जो है वो पैरेलल में ऑपरेट होता है। ये उसका एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट बस इज ऑल्टरनेटर ऑपरेटिंग पैरेलल इन पावर सिस्टम। ये उसका एग्जांपल है। अगर किसी भी जब ऑल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट रहेगा, अगर एक ऑल्टरनेटर ऑन हो या ऑफ करेंगे, ऑल्टरनेटर को ऑन ऑफ करेंगे, तो पावर सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन ऑन इनफाइनाइट बस। सिंक्रोनस मशीन ऑन इनफाइनाइट बस, जब सिंक्रोनस मशीन इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो हम बात करेंगे। अगर कोई भी सिंक्रोनस मशीन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होगा, व्हेन एनी ऑफ द सिंक्रोनस मशीन वर्किंग इंडिपेंडेंटली, तो वहां पे क्या होगा, वेरिएशन होगा एक्साइटेशन के अंदर, वेरिएशन होगा। ओके, वेरिएशन होगा। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जब सिंक्रोनस मशीन इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा तो उसके एक्साइटेशन में वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज के अंदर भी चेंजेस होंगे। अब हमें मालूम है कि पावर फैक्टर भी लोड के ऊपर डिपेंड है सिंक्रोनस मशीन के अंदर, लेकिन जब ये सिंक्रोनस मशीन अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। कौन सी, एक्साइटेशन भी चेंज नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। अब हम ये बात करेंगे कि इनफाइनाइट बस कैसे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है। ओके, अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे इनफाइनाइट बस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स है G1, G2, G3 अप टू नंबर ऑफ जनरेटर। ओके, I1, I2, I3 एंड IN, और ये है इनफाइनाइट बस। तो सबसे पहले हम वोल्टेज कैसे रिमेन कांस्टेंट रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे, प्रूफ ऑफ वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट।
तो हमें मालूम है कि फॉर एक फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू, इसका वोल्टेज क्या होगा इस इनफाइनाइट बस का, वी इज इक्वल टू ई माइनस जेड आई इंटू जेड। ओके, इनफाइनाइट बस का वोल्टेज क्या होगा, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई जेड। ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ ऑफ ई जनरेटर, वी इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इनफाइनाइट बस, एंड जेड एस इज द सिंक्रोनस इंपीडेंस ऑफ एन जनरेटर। अब जेड कितना होगा, जेड एस बाई एन, जेड एस इज द सिंक्रोनस इंपीडेंस, इट इज अ सिंक्रोनस इंपीडेंस। अब यहाँ पे वोल्टेज कैसे कॉन्स्टेंट रहेगा, जब एन की वैल्यू नंबर ऑफ इंपीडेंस, व्हेन एन इज इक्वल टू वेरी लार्ज, जब ये ज़्यादा होगा तो जेड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब जेड ज़ीरो होगा तो आई जेड इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो कौन सी टर्म बाकी रहेगी, सिर्फ वी इज इक्वल टू ई। ओके, तो जब जेड ज़ीरो होगा तो वोल्टेज इक्वल टू ई होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ओके, वी इज इक्वल टू ई कांस्टेंट। अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, प्रूफ ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट जे बी द मोमेंट ऑफ ऑल्टरनेटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल्टरनेटर, तो नंबर ऑफ इनर्शिया है जे प्लस जे प्लस जे एन टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू जे। सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर ये क्या होगा, एक्सेलरेटिंग टॉर्क टी ए डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विच इज सिग्मा इंटू जे। तो सिग्मा इंटू जे कितना है, एन इंटू जे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, नंबर ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इफ वैल्यू इज लार्ज, एन इज एन लार्ज, सो एन जी विल बी वेरी लार्ज। अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जे की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, सो स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, सो ये दोनों इक्वेशन क्या बताती है, कि कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मशीन, ये दोनों के अंदर क्या बताया, नंबर ऑफ मशीन के ऊपर ये डिपेंड रहेगा, इसकी वजह से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो ये होता है इनफाइनाइट बस।